ओके गाइस, पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के बारे में। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कुछ पॉलिसीज होती है जिनको यदि हम ब्रेक करते हैं तो वो हमारे उस कंटेंट को डिलीट कर देते हैं, या फिर जो हमारा वो पेज होता है या फिर जो हमारा चैनल होता है उसको वो डिलीट कर देते हैं। तो ठीक ऐसे इंस्टाग्राम पर भी कुछ पॉलिसीज हैं जिनको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, जहाँ जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा जो कॉन्टेंट है, जो हमारा पेज है, सेफ रहे और हम उसको मोनेटाइज करके वहाँ से अर्निंग कर पाए, जिसके लिए हम वहाँ पर इतनी सारी मेहनत करते हैं। एक चीज़ है जिसको आप अभी कर सकते हो, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना। अब मैं सब्सक्राइब करने का रोना अभी क्यों रोने लगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, बस वीडियो को वॉच करते हो और देख कर चले जाते हो। सब्सक्राइब कौन करेगा भैया, सब्सक्राइब भी कर दो यार, ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे, ताकि मैं जो भी वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए वो फटाफट से आपके मोबाइल स्क्रीन पर जाए और आप उसको वॉच कर लो, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसको अप्लाई करके अर्निंग कर पाओ। तो आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो ये है इंस्टाग्राम का पोस्ट जिसमें इन्होंने सब कुछ बता रखा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यदि मैं यहाँ पर इस पेज को आगे स्क्रॉल करता हूँ, मतलब तो कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है यहाँ पर। आपको देखो एक चीज़ शुरू का कुछ चीज़ें बता रखी है उन्होंने, जैसे मोनेटाइजेशन कॉन्टेंट मस्ट पास इन द एडिशनल लेवल ऑफ द। अब देखो ये तो वो चीज़ें जैसे आपको याद रखना है, मतलब हर पेज पर, जैसे जो मैंने बताया कि हर पेज पर पॉलिसीज होती है उनको ब्रेक नहीं करना होता, यदि आप उनको फॉलो करते हो तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है या फिर आपका पेज मोनेटाइज होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ गया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे देखो प्रोहिबिटेड कंटेंट फॉर्मेट, अब देखो ये चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है, आपको यहाँ पर नहीं करना है इंस्टाग्राम पर अपने पेज पर या फिर अपने जो भी कंटेंट है उसमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ओके, सबसे पहला क्या है, स्टैटिक वीडियो। आप देखो कोई भी वीडियो जैसे रुकी पड़ी है, जैसे कोई इमेज है बस उसको, मतलब कोई वीडियो ऐसे पॉज हुई पड़ी, रुकी पड़ी और उसमें गाने चल रहे हैं और आप सोचो उसकी अर्निंग होगी आपको, तो ऐसा नहीं होने वाला है, उसको भी ये मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो अगला है स्टैटिक इमेज एंड पोल्स का। आप कोई पोल करते हो, कोई पोस्ट इमेज करते हो, मतलब फोटो, वहाँ पे आपको अर्निंग नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको जो अर्निंग होगी वो रील पर होगी और वहाँ पर जो भी ऐड आपको चलने वाले हैं वहीं पर होंगे। ओके, अब देखो अगला जो है स्लाइड शो ऑफ इमेज, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बना रखा है ऐसे स्लाइड शो हो रहा है, मतलब हमने, मतलब इन्होंने काफ़ी सारे पोस्टेस बना रखी है और इनको हम स्लाइड कर करके देख पा रहे हैं। तो ऐसी यदि आपकी कोई पोस्ट है तो वो भी मोनेटाइज नहीं होने वाली है। और अगला जो है हमारा लूपिंग वीडियो, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई लोग होते हैं जैसे किसी वीडियो को लगा देते हैं और वो लूप में चलती रहती है, जैसे पता ही नहीं लगता है, जैसे कि कोई दरवाजे से जाता है और फिर अगेन घूम के आता है तो फिर वो दरवाजे से ही निकलता है। तो ऐसी जो वीडियो है, मतलब कि जो लूपिंग में है, जैसे जिससे लोगों का टाइम ख़राब हो रहा है, मतलब जिसमें आप लोगों को मतलब चीट कर रहे हो एक तरीके से कह सकते हैं, वो कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होने वाला है। अगला जो है टेस्ट मोनेटाइजेस का, यदि आपको पता है मतलब कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट वाली वीडियो बनाकर डाल देते हैं या फिर टेस्ट आता रहता है, पॉपअप होता रहता है या फिर टेस्ट लिखा होता है और वहाँ पे गाने चलते हैं, वो वीडियो बनाकर यदि आप डाल देते हो तो भी वो भी मोनेटाइज नहीं होने वाला है। अब देखो अगला जो हो प्रोहिबिटेड कैटेगरीज है, जो जैसे लोग पूछते हैं भाई यार इस पर्सनल कैटेगरी का क्या हमारा पेज मोनेटाइज हो सकता है, तो देखो ये उन्होंने कुछ बता रखा है। जैसे सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन, आप समझ सकते हो मिस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जैसे कोई चीज़ है ही नहीं और वहाँ पर हम जाकर आपको मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आप यदि यहाँ पर आते हो तो आपको सिर्फ इतने में ये चीज़ मिल जाएगी, मतलब किसी प्रकार की कोई मिस इन्फॉर्मेशन या फिर किसी के बारे में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का जन्म इतने तारीख को हुआ या फिर प्रधानमंत्री इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे पोस्ट बनाते रहते हैं जिससे मतलब लोगों के पास खराब इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो उस चीज़ को भी ये मोनेटाइज नहीं करने वाले हैं। ओके, अब देखो जो अगला है हमारा मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन। आपको पता होगा जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिकल के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है और वो मेडिकल का ज्ञान बांट रहे हैं इंस्टाग्राम पर बैठकर, वो किसी चीज़ को मिसलीड करते हैं, जैसे कि आपको दर्द हो रहा है तो ये गोली खा लो, अगर वो ऐसा नहीं है, जेन्युइन नहीं है वो, तो उसको भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो हमारा अगला है ड्रग्स का, यदि आपका भी कोई ऐसा कॉन्टेंट है जो ड्रग्स से रिलेटेड है वो यहाँ पर मोनेटाइज नहीं होने वाला, इसको तो सख्त आप समझो। अब जो अगला है वो है अनऑर्गेनिक कॉन्टेंट। अब देखो कोई भी कॉन्टेंट आप यदि अनऑर्गेनिक है, मतलब वो उसका किसी को फ़ायदा नहीं होना है, वो ऐसे ही बनाया गया, मतलब उसमें कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, फालतू की चीज़ें हैं जो भी चीज़ें, तो वो चीज़ मोनेटाइज नहीं होने वाली, इसको आप सख्त ख्याल रखना। अब देखो अगला जो है हमारा पेज वो क्या है, प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स, कुछ बिहेवियर्स हैं जो आपको नहीं करना है यहाँ पर इंस्टाग्राम अपने पेज पर या फिर अपने कंटेंट में। अब देखो जो हमारा प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स है वो, उसमें आपको क्या क्या ख्याल रखना है, यदि आप इनको अवॉइड करोगे तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अब देखो इंगेजमेंट बेट्स का है, अब देखो इसमें क्या है कि आपने कुछ लोगों को क्लिक कराया, फॉल्स क्लिक कराया, जैसे कि आप कह रहे हो कि इस पर क्लिक करोगे तो आपको अर्निंग होगी या फिर आप इस पर क्लिक करोगे कंटेंट पे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है। यदि आप ये करते हो तो आपका कंटेंट जो है मोनेटाइज नहीं होगा, या फिर आप लाइक करने के लिए कहते हो कि आप ये करो, लाइक करोगे तो ये मिलेगा, कमेंट करोगे तो ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मोनेटाइज ही नहीं होगा आपका कंटेंट। अब देखो आपका जो अगला जो चीज़ है जिसको आपको अवॉइड करना है वो है
सोलिटिंग इंगेजमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे कहीं किसी और साइट पे अपना इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट करके रखते हैं, वहाँ पर जब कोई ऐसा क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपके कंटेंट पर आ जाता है और उसको देखता है। तो ऐसा जो भी मतलब कि ऑर्गेनिक चीज़ें छोड़कर, ऑर्गेनिक व्यू छोड़कर जो कहीं और से आ रहा है आपका व्यू, वो मोनेटाइज नहीं करेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ नहीं करना है। ओके, अब देखो आप गिववे समझ सकते हो, रेफरल्स समझ ही सकते हो इन चीज़ों को, जैसे कि ऑफरिंग रेफरल्स और गिववे बिहाइव बिहाइंड अ पेवेल। आप देख सकते हो कि कुछ लोग होते हैं कि आपको गिववे किया जाएगा, आप लाइक करो, आप कमेंट करो, आप मुझे फॉलो करो, आपको ये चीज़ दी जाएगी, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो अगला जो पेज है कॉन्टेंट मोनिटाइजेशन पॉलिसी, हमारा लास्ट पेज है ये देखो, इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, यू कैन कन्फर्म योर मोनिटाइजेशन स्टेटस एंड अपील डिसीजन। अब देखो मतलब इसमें टोटल इन्होंने क्या समझा रखा है कि आपका यदि पेज है या फिर आपका जो भी प्रोफाइल है, जो भी आपका कॉन्टेंट है, यदि उसको हमने गलती से बाय मिस्टेक वो आपका डिमोनेटाइज हो गया है, तो आप उसको 30 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हो, उसको हम फिर से मोनेटाइज कर देंगे चेक करने के बाद। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और ये काफ़ी अच्छी ऐसी चीज़ है जिनको आपको हमेशा ख्याल रखना ही चाहिए। ओके, अब देखो ये पेज है हमारा, क्या है, डू ओनली शेयर कॉन्टेंट डेट यू क्रिएटेड एंड विच यू हैव द राइट्स टू यूज। अब ये चीज़ें जो आपको करनी है, क्योंकि आप देखो ग्रीन टिक है, टिप्स फॉर मेंटेनिंग इलिजिबिलिटी, मतलब आप इलिजिबल हो जाओ और ज़्यादा और वो और मेंटेन रहे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये चीज़ें करनी है, जैसे कि आपको वो चीज़ें ही करनी है, वही कंटेंट आपको अपलोड करना है जो सिर्फ आपका। अब इसमें फैन पेज भी आ जाते हैं, जैसे कि कोई लोग किसी और का फैन पेज बना लेते हैं और वहाँ पर उनका फेस मतलब उनका कॉन्टेंट अपलोड करके वहाँ से अर्निंग करते हैं, तो अब उनका भी कॉन्टेंट मोनिटाइज नहीं होने वाला है ग्रुप। अब यही चीज़ इनमें समझा रखा है कि अब आपको अपना जो भी प्रोफाइल है उसको मेंटेन करके अच्छे से रखना है, आपको अपना ही कंसिस्टेंट रखना है, अपना पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उसको अपलोड करना है, किसी प्रकार का वहाँ पर ड्रग्स रिलेटेड कोई चीज़ नहीं अपलोड करनी है, कोई किसी और का यूज़ नहीं करना है, यही सभी चीज़ें उन्होंने बता रखा। और इंस्टाग्राम का जो भी रिसीविंग पेमेंट है उसको मतलब जो आपको पेमेंट लेना है उसको बना कर रखना है। ओके, तो यही तरह तरह की चीज़ें हैं काफ़ी, जैसे कि आपको अपना मेंटेन करके रखना है पेज, आपको अपनी इलिजिबिलिटी बनाने के लिए ये सभी चीज़ें करनी है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना और काफ़ी इजी अपने उसको मोनेटाइज करवाना अपने पेज को, तो बस इन्हीं मिस्टेक्स को नहीं करना है, इनको अवॉइड करना है। और हाँ, एक चीज़ है जिसको करना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब। ओके, तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, कोई भी क्यूरी रहेगी इस चीज़ से रिलेटेड, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का इंस्टेंट मैं रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।